अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने बढ़ती महंगाई को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम डायन की तरह मुंह फैलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जब विपक्ष में थी तो उनके कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सिर पर सिलेंडर रखकर आंदोलन करते थे और कहते थे कि महंगाई डायन खाए जात है। अब मेरा उन्हीं लोगों से सवाल है कि आज जब गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो वो लोग अब कहाँ हैं और क्या आज महंगाई डायन नहीं है। साथ ही इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि इस बार जनता योगी सरकार को हटाएगी और 2022 में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले अखिलेश यादव की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम डायन की तरह मुंह बा रहे हैं। जब किसी दूसरे की सरकार हुआ करती थी तो कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा का नेतृत्व सर पर सिलेंडर रख के आंदोलन करते थे और बताते थे महंगाई डायन खाए जाग बाए। मेरा उन्हीं भाजपा के नेताओं से सवाल है, केंद्रीय मंत्रियों से सवाल है कि आज जब गैस का दाम बढ़ रहा है तो कहाँ है महंगाई, आज डायन नहीं है। आज महंगाई के मुद्दे पर उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इस बात का जवाब देना चाहिए भाजपा के नेताओं को कि उस जब वो विपक्ष में थे तब ड्रामा कर रहे थे या सत्ता में है तो ड्रामा कर रहे हैं, इस बात का जवाब इन्हें देना चाहिए। और जनता आज इनके इस ड्रामे को जान चुकी है। जनता 2022 में इस महंगाई बढ़ाने वाली सरकार को हटाएगी। जनता ने मन बना लिया है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने वाली सरकार, नौजवानों को रोजगार न देने वाली सरकार, किसानों के हाथ में कटोरा थमाने वाली सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश में जुल्म अत्याचार भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सरकार, इस योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटाएंगे, श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।